नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ का जो जियो फोन है कीपैड फोन, इसमें आप ओमनी एचडी कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं हेमेश, अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ओमनी एचडी इंस्टॉल करना बताऊंगा। ओमनी एचडी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल के फीचर्स बहुत बढ़ा सकते हैं। इसमें मनचाहे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इसके स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको पहले चेक करा दूं, ये मॉडल है F220B है और इसमें मैं ओमनी एचडी इंस्टॉल करूंगा। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूं, इस मेथड से आप किसी भी जियो के कीपैड फोन में ओमनी एचडी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल के फीचर्स को मनचाहा बढ़ा सकते हैं, कोई भी ऐप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं जियो का F220B है, कीपैड फोन है। और यहां पर मैं आपको ये भी चेक करा दूं कि यहां पर कोई भी ओमनी एचडी इंस्टॉल नहीं है। फाइल मैनेजर SMS, ये देखिए फाइल मैनेजर SMS है यहां पर, और मैं दिखा दूं तो ये देखिए कहीं भी आपका ओमनी एचडी इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद इसको जाना है डाउनलोडर मोड पे लगाना है। तो यहां पर मैं लगा देता हूं इसका यूएसबी केबल। यूएसबी केबल लगाकर एक बार बैटरी को मैं निकालूंगा। यहां भी मैं आपको चेक करा देता हूं, यह 220B है, और निकाल कर सिंपली फिर से बैटरी हमें लगा देना है। स्टार या हैश में से कोई भी एक बटन प्रेस करते हुए हमें इसको यूएसबी पर इन करा देना है। तो स्टार में दबा के स्टार बटन प्रेस करके और मैं यहां पर यूएसबी को इन करा देता हूं। एक बार ब्लिंक करेगा और ये डाउनलोडर मोड में चला जाएगा। तो ये देखिए हमने जैसे यूएसबी इन कराया, ये देखिए एक बार ब्लिंक किया और हमारा मोबाइल डाउनलोडर मोड में आ गया। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर क्यूफिल पर। क्यूफिल सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्यूफिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम क्यूफिल सॉफ्टवेयर को ओपन कर देंगे। यहाँ पर फाइल आपको चाहिए लाइफ का या 220B का ओमनी एचडी फाइल यहाँ पर है, ये जिप फाइल है। इसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ तक कि आप जो भी मनचाही आपका मॉडल है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जो भी लिंक हमने दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें ओपन कर लेना है क्यूफिल। हम क्यूफिल पर आ जाते हैं, क्यूफिल पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर देखिए हमें आना है फ्लैट बिल्ड पर। फ्लैट बिल्ड पर आकर हमें ब्राउज करना है अपने उस फाइल को जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो इस जिप फाइल को हमने यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये देखिए हमारा यहां पर एक्सट्रैक्टेड रखा हुआ है फाइल। अब इसको हम यहाँ पर लोकेशन देंगे, यहाँ ब्राउज का लोकेशन देते हैं और यहाँ पर हम आ जाएंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आ करके हमारा ये देखिए यहीं पर फाइल पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे इसको और यहाँ पर देखिए इसका ओमनी एचडी का, और सबसे ऊपर जो प्रोग्राम EMMC Firehose 8909 DDR.mbn फाइल है इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देते हैं और नीचे लोड XML पर आते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना, रा प्रोग्राम ऑटोमेटिक आएगा, फिर से ऑटोमेटिक दोबारा आएगा पैच 0। सिलेक्शन करने के बाद मोबाइल आपका कनेक्ट है, जिस मेथड से मैंने बताया था कनेक्ट करने के लिए, आप सिंपली आपको प्रेस कर देना है डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड प्रेस करने पर आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बहुत छोटी सी फाइल है, बहुत जल्दी ये आपका सक्सेस हो जाएगा। फ्लैशिंग आपके मोबाइल में ओमनी एचडी का फ्लैशिंग हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड सक्सेस, 5-10 सेकंड के अंदर ये आपका फ्लैश हो गया। अब यूएसबी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, निकाल दिए, देखिए ऊपर पोर्ट नॉट अवेलेबल, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया मोबाइल को। एक बार बैटरी को पुनः हम, ये देखिए हमारी मोबाइल है, इसकी बैटरी को हम वापस निकाल देते हैं। और निकाल कर, क्योंकि डायरेक्ट हम ऑन करेंगे तो हमारी मोबाइल ऑन नहीं होगी, तो हमें एक बार बैटरी निकालना रहेगा। निकाल कर पुनः जब हम लगा के ऑन करते हैं, ऑन करके हम चेक करा देते हैं आपको कि क्या इसमें ओमनी एचडी इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो ये देखिए हमारा मोबाइल बूट हो रहा है, रिस्टार्ट होके ऑन हो जाए मैं आपको दिखाता हूं
कि आपका ओमनी एचडी इंस्टॉल हुआ या नहीं। ओमनी एचडी लगभग आपके मोबाइल को रूट टाइप का कर देता है और जिसके जरिए से आपके मोबाइल के फीचर्स बहुत बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट आप कोई भी ऐप जिप फाइल, किसी भी ऐप का जिप फाइल आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, बिना ओमनी एचडी के आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। और बहुत सारे आपके जो इसके स्टोर पर दिए हुए ऐप हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जियो का स्टोर दिखवा रहा है, ये देखिए। लेकिन इस जियो के स्टोर पर जो भी ऐप है, इसके अलावा यदि कोई नहीं और से भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको ओमनी एचडी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ओमनी एचडी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप आप यहाँ से इंस्टॉल करना चाहें तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे, आपको इंटरनल मेमोरी के डाउनलोड फोल्डर में कोई भी ऐप की जिप फाइल रखना है और इसको ओपन करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉल का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमें कमेंट अवश्य करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं पुनः आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।